पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में। एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप पांच एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने हजारों कर लिए। दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है, पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम नमः शिवाय, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है एकादशी का दिन आ गया है, जैसे हर एकादशी का अलग नाम होता है वैसे ही यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है, क्योंकि कहा जाता है इस दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी। वीडियो में एकादशी के दो उपाय बताए गए हैं जो आप कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा में बताए गए उपाय ही हम आपको वीडियो में विस्तार पूर्वक बताते हैं, तो कृपया कर आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए अब चलते हैं पहले उपाय की ओर कि पहला उपाय क्या है। पहला जो उपाय है अटके हुए काम को पूरा करने के लिए, यदि आपका कोई कार्य बहुत समय से अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का काम है, कोई फाइल अटकी हुई है जो आगे नहीं बढ़ रही है, तो यह उपाय आपके लिए है। आपको इसमें करना क्या है, आपको चले जाना है शिवलिंग के पास, शिव मंदिर, आपको मंदिर ही जाकर यह उपाय करना है। आपको लेना है एक लोटा जल, 5 बेलपत्र और एक सफेद फूल, आपको सफेद फूल ही लेना है, दूसरे कलर का फूल नहीं लेना है। जब आप मंदिर चले जाएं तो सबसे पहले आपको शिवलिंग पर 5 बेलपत्र एक एक करके समर्पित कर देने हैं, फिर आपने जो सफेद फूल लिया है उसे समर्पित कर दें, बेलपत्री के ऊपर ही आपको सफेद फूल रखना है और फूल का मुख शिवलिंग की तरफ रखना है, कभी भी फूल का मुख स्वयं की तरफ नहीं रखना चाहिए। जब आप बेलपत्र और फूल समर्पित कर दें, फिर जो आप एक लोटा जल ले गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करना आरंभ करें और अपनी कामना कर लें। जब आप जल समर्पित करें तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर ही जल समर्पित करना है और अपनी कामना प्रार्थना महादेव से कर लेनी है। यह कार्य आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों गुरुजी का कहना है आपको शिवलिंग पे जल इतने ज्यादा ऊपर से नहीं चढ़ाना है कि पानी के छींटे आपके ऊपर आए। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर जो धन संपदा से संबंधित है। यदि आपके यहाँ पैसा नहीं आ रहा है, लक्ष्मी की कमी है, कोई पैसा ले गया है वापस नहीं दे रहा है, आपने किसी को उधार दिए हैं, या फिर आपके यहाँ पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, किसी भी उल्टे सीधे कार्यों में आपका पैसा लग रहा है, तो यह उपाय आपके लिए है। इसमें आपको करना क्या है, आपको एकादशी के दिन गंगा का जल लेना है, एक लोटा गंगा का जल लेना है, और यदि आपके पास एक लोटा गंगा जल नहीं है तो आप साधारण एक लोटा जल ले लें, उसमें 2-4 बूंद गंगा के जल की डाल लें। अब आपको 7 बेलपत्र भी लेनी है और उस गंगा वाले जल के लोटे में उन 7 बेलपत्र को डाल लेना है और चले जाना है शिव मंदिर, और शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज बैठे होते हैं वह एक लोटा जल आपको उनके पैरों पर समर्पित करना है। आपको बेलपत्र उनके पैरों पर नहीं चढ़ानी है, आपको केवल और केवल लोटे के जल को उनके पैरों पर समर्पित करना है, और जो 7 बेलपत्र बची हैं उसको आपको एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
यह कार्य एकादशी पर करने से आपके यहाँ पैसा रुकना आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको दोनों उपाय समझ आ गए होंगे। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।